न्याय की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। यमुना चैलेंज ट्रॉफी में खेले जा रहे मैचों में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी सभापुर खेलगांव परिसर पहुंचे। उन्होंने मैच खेल रही टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। यही नहीं, इस मौके पर उन्होंने खुद कमेंट्री करते हुए गाना भी गाया। मन में विश्वास बा, से बड़ी आस बा, हम अभी से बताई टीम कितना खास बाजी के दबंग। सभापुर का ये खेल परिसर इन दिनों तालियों की गड़गड़ाहट से भरपूर गूंज रहा है। इसका श्रेय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी को ही जाता है। यहाँ की जनता का कहना है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित हो रही यमुना चैलेंज ट्रॉफी मैचों के माध्यम से आज पूरी दिल्ली के युवाओं में क्रिकेट को लेकर काफी जोश है। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने हमारे यमुना चैलेंज ट्रॉफी को बहुत ही दिल से सपोर्ट किया है। और जो हमारा उद्देश्य है लोगों को नशे से हटाना, इंटरनेट के बिला वजह यूज से हटाना, स्वच्छता से जोड़ना और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जो खिलाड़ी को अग्रसर करता है खेल, उसमें मीडिया का सपोर्ट है और नागरिकों का सपोर्ट है। आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये 123वां मैच है। इससे पहले 122 मैच पूरे दिल्ली में हो चुके हैं और कहीं भी बहुत अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। कहीं कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी है, ऐसा मुझे समझ में पता चला है। कहीं कहीं लोग वार्ड से बाहर के लोगों को खिलाया। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं भाई, ये टूर्नामेंट हार जीत से ऊपर है, इसमें कभी भी नियम न तोड़े। और हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को हम ग्राउंड से जोड़ें, खेल से जोड़ें, हम खेलो इंडिया की तरफ अग्रसर कर हो रहे हैं, उसके लिए मैं दिल्ली के सभी युवाओं को शुभकामना देना चाहूँगा और सभी कार्यकर्ताओं को जो इसमें लगे हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। उन्होंने बहुत सफल टूर्नामेंट कराने में अपना योगदान दिया। पिछले 10 थे, एक दिन और प्रोग्राम बना था, उस दिन अपनी व्यवस्थाओं के कारण आ नहीं पाए थे। सब लोग समझ रहे थे भाई साहब आ नहीं पा रहे, क्या बात है। लेकिन आज उन्होंने स्पेशली कहा कि मैं 2-3 घंटे रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो मैसेज उन्होंने दिया है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने इस टूर्नामेंट के लिए कहा, क्योंकि खेल खेल की प्रतिभा को घर से लाना है, गलियों से निकालना है, आज उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का और मनोज तिवारी जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एक प्रयास है और इस प्रयास को सक्षम करते हुए पूरी सफलता इसकी हमें मिली है इसमें, क्योंकि गाँव गाँव से और घर घर से प्रतिभाएं आई है। बहुत सुंदर आयोजन है और 28 तारीख को महीने में इसका आयोजन की शुरुआत हुई थी और जो इसका संकल्प लिया गया था, स्वच्छता का लिया गया था और खेल की प्रतिभा को चेतन किया गया। शुरुआत में जब हुई तो मुझे भी उतनी उम्मीद नहीं थी, हालांकि कुछ समय में हुआ था इस बात को बना है, लेकिन निकल कर आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने जो ये टूर्नामेंट कराया उसका मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों की प्रतिभा को बाहर निकाल के लाने के साथ साथ स्वच्छता का मैसेज भी हर वार्ड से अपने प्रदेश स्तर तक, राष्ट्र स्तर तक पहुंचाने का उनका एक संकल्प लिया है। उन्होंने अपने नारे में भी कहा है कि खेल खेल में यमुना को स्वच्छ बनाना है और गली की प्रतिभाओं को प्रदेश स्तर तक, राष्ट्र स्तर तक लाना है। और वो अपने हर मैसेज में, अपने हर भाषण में हर बच्चों को यही कहा कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और युवाओं में उन्होंने संघर्ष की एक भावना को प्रेरित किया है, उन्हें सिखाया कि कैसे संघर्ष किया था जीवन में और वो खेल के माध्यम से उन्होंने भरपूर बड़ा अच्छा दिखाने का। बात स्वच्छता की करें तो कितनी टीमें अब तक वहाँ पर यमुना पर स्वच्छता, कहाँ कहाँ स्वच्छता हुई अभी तक? हमारे जिले से बहुत सी स्वच्छता की टीमें 2 वार्ड से जा रही हैं। कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपने माध्यम से अपने लेवल पे टीम को लेके स्वच्छता के लिए जा रहे हैं और देख रहे हैं। और ग्राउंड में भी आपने देखा होगा वो कुछ भी खाने पीने का सामान लेते हैं तो उस कहीं ना कहीं विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि वो डस्टबिन में डालें, वो ग्राउंड को साफ रखते हैं। और लोगों से भी अपील करते हैं और अपने वार्ड में भी ये मैसेज बताते हैं कि स्वच्छता जरूरी है और स्वच्छता से ही देश का विकास हो सकता है।
इन तस्वीरों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली में युवाओं को खिलाने वाले आज मैदान में खेलकर बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हर इंसान की पसंद की बॉल पर चौके छक्के लगा रहे हैं। जी हां, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी हैं। करीब 10 बॉल पीटने के बाद मनोज तिवारी ने कई चौके छक्के लगाए। यमुना चैलेंज ट्रॉफी में आयोजित हो रहे मैच सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिनके पास अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई साधन नहीं था। गली गली से बच्चों की प्रतिभाओं को मैदान तक लाने का काम वाकई सराहनीय है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। What are you doing?